सभी बच्चों को नमस्कार आज हम आपकी वर्कशीट नंबर तेरह क्लास छठी विज्ञान जो कि आपको तेरह नवंबर को करनी है उसको डिस्कस कर रहे हैं आइए शुरू करते हैं एज यू नो दैट चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स इज गोइंग ऑन सो लेट्स सी टुडे व्हाट वी हैव टू स्टडी आज हम जो है पढ़ेंगे वट इज़ ए फ्लार इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट एंड इट इज अटैच टू द स्टेम और ए ब्रांच विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक विच इज़ नॉन एज पेडिसल

जो चमकदार जो है अलग अलग रंग के होते हैं उनको कहा जाता है पेटल्स जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पिस्टल और कार्पल इज ऑल्सो नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा इन चीजों में जो है डिवाइडेड होती है आप देख सकते हैं यहां पर स्टेम इट इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट इज डिवाइडेड इन टू एंड एंथर यू कैन सी फ्रॉम नाउ वट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर फर्स्ट इट इज द रिपोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट सेकेंड इट हैज ब्राइट कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इनसेक्ट दैट हेल्प इन पोलिनेशन एंड थर्ड आफ्टर बींग पोलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स पौधों को जानिए आज हम फूल के बारे में पढ़ेंगे फूल जो है सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है पौधे का जो कि शाखा से एक छोटे डंठल की सहायता से जुड़ा हुआ होता है इसको चार भागों में विभाजित किया गया है बाहेदल पंखुड़ी पुंगकेशर एंड स्त्री पायदल जो है हरी पत्तियाँ जो कि जैसी संरचनाएं जो कली की रक्षा करती हैं और फूल का एक सबसे बाहरी भाग भी कहा जाता है पंखुड़ी जो है रंगीन भाग ये खुशबूदार होते हैं और ये पराकन के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं ये दूसरा बाहरी चक्र है स्त्री केशवर फूल का मादा जनन अंग है इसमें अंडाशय वृत्तिका और वृतिकार्ग ये तीन चीज़ें होती हैं आप यहाँ से देख सकते हैं पुंगकेश्वर फूल के नर जनन अंग है इसके अंदर जो है आपको फिलामेंट या आप कह सकते हैं डेंटल होता है जिसमें तंतु कहते हैं और एक थेलुनामा संरचना पराकोश होती है अब देखो फूलों के कार्य क्या होते हैं फूल सबसे पहले तो पौधे का जनन अंग है दूसरा इसमें रंगीन पुंगड़िया होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और बाद में जो है ये बीज उत्पन्न करता है फूल का चित्र भी आप बनाओगे कॉपी के अंदर अब देखते हैं हम एक एक्टिविटी है टेक टू डिफरेंट फ्लावर्स फ्रॉम योर सराउंडिंग आपके आसपास से आपको कोई भी दो फूल लेने हैं उनमें कितने जो है बाहेदल हैं कितनी पंखुड़ियाँ हैं सेप्पल्स हैं पेटल्स हैं जुड़ी हुई हैं अलग अलग हैं उनको आपने देखना है और उनको निकाल कर इसमें भरना है जैसे एक आपके लिए किया गया है? इसके अलावा आपको दो करने हैं जैसे हमने रोज़ का लिया रोज़ में सेप्पल्स जो हैं पिंक और रेड कलर की होती हैं नंबर ऑफ पेटल्स की अगर हम बात करें तो पाँच हैं ग्रीन कलर की उसके बाद जॉइंट हैं अलग अलग हैं तो आप देखोगे अलग अलग पंखुड़ी होती है उसकी स्टेमन्स जो हैं प्रेजेंट है पिस्टल जो है प्रेजेंट है तो गुलाब के अंदर बहुत अधिक जो है बाहेदल की संख्या बहुत अधिक है या लाल हो सकता है पंखुड़ी जो है पाँच एवं रंग जो है उनका हरा होगा बाहेदल के अंदर जो है पंखुड़ी जुड़े हैं अलग हैं तो अलग अलग है पुं केसर स्वतंत्र है स्त्री केसर भी उपस्थित है इस तरह से कोई भी दो आप और पौधों को लेके यहाँ पे भर सकते हो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं अब

फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखोगे तो आप इसको फीमेल रिपोर्टिव लिख सकते हो या पिस्टिल या कार्पल भी लिख सकते हो आप हिंदी में देख लेते हैं एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए तो फूल है एक फूल फूल के किस भाग में पुंकेसर और प्राकोश होते हैं नर्जनन हिस्से में तीसरा पौधे का कौन सा भाग परागकण में मदद करता है तो फूल ही है जिसके अंदर चमकीले रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं एक फूल के नर और मादा प्रजनन के नाम बताएं स्त्री केशर जो है मादा और पुंकेश्वर एक फूल का नर्जनन चित्र को अगर आप पहचानोगे तो इसमें आप देखोगे कि क्या दिखा रखा है ये ये एक जो है स्त्री के हिस्से का भाग है जिसमें आपको अलग अलग जो है कोश दिखा रखे हैं अंडाणु दिखा रखे हैं जिनको कि इंग्लिश में ओव्यूल्स कहा जाता है तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी देखने के लिए धन्यवाद उम्मीद आपको वर्कशीट पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू